नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों चैप्टर है जिसका नाम है समय और कार्य, जिसे दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है टाइम एंड वर्क। दोस्तों, इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा दोस्तों जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, टाइम एंड वर्क से प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें एक दो या तीन प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, और जिस टाइप के दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं उस टाइप के प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं। और दोस्तों, इसमें आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा एकदम बेसिक से, एकदम अच्छे से, ठीक है, ताकि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आपके लाइफ में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और इसके लिए दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक इसमें बताने वाला हूं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं टाइम एंड वर्क के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का मोस्ट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन अगर जो कहे बेसिक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा इसको सॉल्व कैसे किया जाता है और इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कैसे किया जाता है, दोनों तरीका बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लेंगे तो क्या होगा, प्रश्न को आप सॉल्व भी कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, मतलब जिसका नाम है ए, किसी कार्य को क्या कर रहा है 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। और कह रहा है और बी उसी काम को, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। ये अलग अलग दिया है कि ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है। तो अगर जो दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। तो इसको दोस्तों बेसिक से सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, देखिए ए का दोस्तों एक दिन का काम क्या होगा, ए का एक दिन का काम क्या होगा, 1/20 भाग। कितना करेगा, 20 दिनों में करता है तो एक दिन में क्या करेगा, 1/20 भाग, तभी तो 20 दिन में पूरा काम करेगा। और बी का दोस्तों एक दिन का काम क्या होगा, 1/30 भाग। यही ना होगा, क्योंकि एक दिन में दोस्तों कितना काम, एक काम करेगा तो 30 दिन में पूरा काम कर लेगा, ठीक है। यानी कि बी का एक दिन का काम क्या होगा, 1/30, और ए का एक दिन का काम क्या होगा, 1/20। तो दोनों का दोस्तों एक दिन का काम क्या होगा, ए प्लस बी का दोनों का एक दिन का काम क्या होगा, इसे कैसे निकालेंगे, 1/20 प्लस 1/30, ठीक है, यही करना है। और क्या करते हैं दोस्तों, अब 1/20 प्लस 1/30 ये तो आप सॉल्व कर लेंगे, बेसिक वाले चैनल पे बताया हूँ। और नहीं समझ रहे हैं तो क्या करते हैं, 20 और 30 का दोस्तों क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम भी निकालना है, बेसिक वाले चैनल पे बताया हूँ, ठीक है। 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। अब क्या करते हैं दोस्तों, इस 60 को 20 से क्या करते हैं, 60 में दोस्तों 20 से भाग करते हैं, तो 20 तिहाई 60 होता है, और 30 जो आता है उसमें इसमें गुणा कर देते हैं, कि ऊपर हो जाएगा 3, 20 तिहाई 60, 3 एकम 3, और फिर इस 30 से दोस्तों 60 में भाग करेंगे, ठीक है। 60 में दोस्तों क्या करेंगे, इस 30 से भाग करेंगे, तो 30 दुना का 60 हो जाएगा, और 2 आएगा तो ऊपर वाले में गुणा कर लेंगे, तो ऊपर 1 है, 2 एकम 2, ये क्या हो जाएगा, 3 + 2/60, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/60। ये क्या आया दोस्तों, ए प्लस बी के एक दिन का काम आया। तो पूरा काम करने में दोस्तों कितना टाइम लेंगे, पूरा काम करने में कितने दिनों का समय लेंगे, तो इसे क्या करेंगे दोस्तों, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 60/5। कैसे पता, क्योंकि दोस्तों यहां पे आपको समझ में आया होगा ए का एक दिन का काम 1/20 है, तो पूरा काम करने में कितना दिन ले रहा है, 20 दिन। कैसे, 20/1 उल्टा कर दिया। उसी प्रकार से दोस्तों ये क्या किया, 5/60 आया एक दिन का काम ए प्लस बी का, तो पूरा काम करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 60/5। अब 5 से दोस्तों 60 कितने बार में जाएगा, 12 बार में चला जाएगा। तो ए प्लस बी दोस्तों मिलकर पूरा काम करने में कितने दिनों का समय लेंगे, तो 12 दिनों का समय लेंगे। 12 दिन दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। ये रहा दोस्तों बेसिक मेथड। इससे हम पेपर में अगर जिस टाइप के प्रश्न आए तो इस मेथड से हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें काफी टाइम लगेगा, ठीक है। और सॉल्व किससे करेंगे, दूसरा सेकंड मेथड देखिएगा। सेकंड मेथड क्या करे, क्वेश्चन पढ़िएगा, एक किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये चीज कर रहा है। तो इसका जो दोस्तों सेकंड मेथड होता है वो होता है दोस्तों xy/x+y, यानी कि कहने का मतलब है x की जगह a कितने दिन में कर रहा है, y की जगह b कितने दिन में कर रहा है, और नीचे a वही a
प्लस बी, ठीक है। कहने का मतलब है ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, तो इस मेथड से इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई बटा एक्स, देखिएगा एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, बस इतना दिमाग में रखना है। अगर जो दो लोगों की बात करें और कहे कि दोनों लोग अलग अलग दिन में इतने दिन में कर रहे हैं, दोनों लोग मिल के काम करें तो कितने दिनों में कर लेंगे, अगर जो ऐसे प्रश्न आए तो एक्स की जगह क्या रखेंगे दोस्तों 20, वाई की जगह क्या रखेंगे दोस्तों 30, ठीक है। तो इसे देखिए 20 गुणे 30 और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 20 प्लस 30, और देखिए अब आगे क्या करेंगे, 20 गुणे 30 करेंगे तो क्या होगा, 20 दो तिहाई 6 यानी कि ये हो जाएगा 600 हो जाएगा, और बटा में 20 प्लस 30 करेंगे तो क्या होगा, 20 प्लस 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50। अब इसे कटा लीजिए, ये जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 60 कटेगा तो कितने बार में, 12 बार में। तो ए और बी मिलकर उसके कितने दिन में दोस्तों काम को समाप्त कर लेंगे, 12 दिन में। 12 दिन किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है, आसान मेथड है, इससे आप पेपर में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। दो लोगों की बात करें तो, अगर जो तीन लोग चार लोग कहे तो उसको भी दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा तीन लोगों को कैसे निकाला जाता है शॉर्ट ट्रिक से, चार लोगों को दिया रहे तो उसको कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकाला जाता है वो भी आपको बताऊंगा। अगर जो नहीं आता है आपको तो आप एक बटा बटा करके ऐसे जैसे आपको पहला मेथड बताया उसमें जितने लोग दिए रहे उसे जोड़ के नीचे एलसीएम लेके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये 20 दिन में बी 30 दिन में, अब पूछे दोनों लोग कितने दिनों में काम को मिलकर समाप्त कर लेंगे, तो क्या करते हैं 20 गुणे 30 बटा में 20 प्लस 30, ठीक है, बस एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, यही याद रखिएगा। तो ये 20 गुणे 30 क्या हो जाएगा दोस्तों 600 हो जाएगा, और 20 प्लस 30 क्या हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा 5 से 12 बार में, यानी कि 12 दिनों में वे मिलके काम समाप्त कर लेंगे, और 12 दिन ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस मेथड को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के प्रश्न कभी भी आएगा दोस्तों तो आप बिना पेन उठाए सेकेंडों में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के भी हमेशा दोस्तों पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए प्रश्न कह रहा है 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। दोस्तों इसमें दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, ठीक है, ये पहला टाइप का है, दूसरा टाइप का आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहला टाइप में कैसे सॉल्व करेंगे और किस टाइप से सॉल्व करेंगे, अब प्रश्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए ताकि कभी भी आपके पेपर में प्रश्न आए तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए कह रहा है 20 आदमी है, एक काम को कितने दिनों में कर लेते हैं दोस्तों 18 दिनों में कर सकते हैं, उन्होंने दोस्तों 3 दिनों तक मिलकर काम किया, 3 दिनों तक मिलकर काम किया यानी कि कितने लोगों ने 3 दिनों तक काम किया, 20 लोगों ने काम किया, क्या किया दोस्तों 20 लोगों ने 3 दिनों तक मिलकर काम किया, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, जब 5 आदमी शामिल हो जाएंगे तो कितने लोग हो जाएंगे दोस्तों 20 में 5 लोग और जोड़ देंगे यानी कि 25 लोग, क्या हो जाएंगे 25 लोग हो जाएंगे, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा यह चीज पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, md बराबर m1d1 प्लस m2d2, कहने का मतलब है दोस्तों 20 आदमी एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है 20 गुणे 18, 20 आदमी एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, और बराबर में क्या कर लिखेंगे दोस्तों, उन्होंने 3 दिन तक मिलकर काम किया, यानी कितने लोगों ने मिलकर काम किया 20 लोगों ने 3 दिन तक मिलकर काम किया, और फिर कह रहा है उसके बाद पांच आदमी उनके साथ शामिल हो गए, क्या शामिल हो गए यानी कि प्लस हो गए, कितने लोग दोस्तों 5 लोग, 20 में 5 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 25 लोग हो गए, ठीक है, 25 लोग शामिल हो गए, यानी कि 25 लोग नहीं शामिल हो गए, 5 आदमी शामिल हो गए तो कितने लोग होंगे 25 लोग। तो कह रहा है काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो मान लेंगे दोस्तों x दिन में पूरा हो जाएगा काम, बस इसी x की आपको क्या करना है वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए 20 गुणे 18 करेंगे तो क्या होगा, 18 दुना का 36 ऐसे गुणा किया जाता है और जीरो एक बढ़ा लिया जाता है तो 360 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा 20 गुणे 18 करेंगे 360 हो जाएगा, फिर बराबर में क्या लिखेंगे दोस्तों, ये 20 गुणे 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 तिहाई 60, ठीक है, और प्लस ये 25 गुणे x करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 25 एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25x। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये बराबर के इधर 60 है तो इसको हम बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 360 में से 60 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों
300 हो जाएगा, और बराबर इधर 25x है तो इसको हम लिख लेंगे 25x। तो x की वैल्यू क्या है, कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ 25x है यानी कि 25 गुणे x है, ठीक है, ये गुणा में है, तो 25 दोस्तों बराबर कि इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी कि x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 300/25 हो जाएगा। समझिएगा, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, जो मैथ में एकदम वीक है वो भी समझ रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, और नहीं समझ में आ रहा है तो और कमेंट कीजिएगा और इससे भी अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए अब 300 को कटाएंगे दोस्तों 25 से, तो 25 से कम क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 30 है तो इधर क्या हासिल बचा, इतना इसमें बचेगा कितना दोस्तों, 5 बचेगा और 0, यानी कि 25 दुना का 50, तो एक्स बराबर दोस्तों क्या आ गया, 12, यानी कि काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा दोस्तों, यहां पे जो x की वैल्यू है वो क्या है दोस्तों, 12 दिन, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 12 दिन में पूरा हो जाएगा। 12 दिन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काम कितने दिन में दोस्तों पूरा हो जाएगा, काम यहां पे कह रहे ना, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 12 दिन में पूरा हो जाएगा। अगर जो दोस्तों क्वेश्चन यही रहता, लास्ट में थोड़ा सा बदलता है, जो सेकंड टाइप वाला आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, उसमें क्या बदलता है समझिएगा, यहां पर कहता है, यहां पर कह रहा है काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, अगर जो यही कह दे टोटल काम करने में कितना दिन लगा, ये चीज पूछ ले प्रश्न, पूरा काम करने में कुल कितना दिन लगा ये चीज कह ले, तो 12 दिन में तो पूरा हुआ दोस्तों, हमने x की वैल्यू निकाली 12 दिन, और यहां पे दोस्तों देखिएगा 3 दिनों तक मिल के काम किए हैं, कितने दिनों तक दोस्तों, 3 दिनों तक, तो 12 प्लस 3 करेंगे 15 दिन में ये टोटल कार्य होगा, ठीक है, लेकिन यहां पूरा काम नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 12 दिन। यही अगर जो प्रश्न है नीचे पूछे पूरा कार्य करने में कुल कितना दिन लगा, तो उसका आंसर होगा दोस्तों 15 दिन। कंफ्यूज ना होइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं पे ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो पहले आपको बता दूं लास्ट वाली लाइन पढ़ लीजिएगा, देखिए लास्ट वाली लाइन में क्या कह रहे हैं, वे सब पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, यहां पे क्या कह रहा है, पूरा कार्य कर रहा है, सिर्फ वहां पे काम पूछ रहा था, वहां पे x की पूछ रहा है, और यहां पे वे सब पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ते रहिए, प्रश्न समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है तीन व्यक्ति एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उनके कार्य देखिएगा, उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति उनमें शामिल हो जाते हैं, तदनुसार वे सब पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, प्रश्न ये है, ठीक है। ये जो पहला प्रश्न बताया दोस्तों, दूसरा सेकंड वाला जो क्वेश्चन बताया उसी टाइप का सेम है, बस लास्ट में बदल गया है एक लाइन, वे सब पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो क्वेश्चन इसे भी एक बार समझा देता हूं, समझिएगा अच्छे से। कह रहा है तीन व्यक्ति एक कार्य को क्या करते हैं, 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद, यानी 2 दिनों तक काम कर लिए, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 3 अन्य व्यक्ति उनमें शामिल हो जाते हैं, तदनुसार वे सब पूरा कार्य करने में कितना लेंगे, ठीक है, वे पूरा कार्य करने में कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, वे सब पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, यानी कितना समय लगेगा पूरा कार्य समाप्त करने में, शुरू से लेके लास्ट तक, ये चीज पूछ रहा है। तो देखिएगा दोस्तों इसे भी कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी फॉर्मूला होता है MD बराबर M1D1 प्लस M2D2, तो इसे क्या करेंगे, तीन व्यक्ति 6 दिनों में पूरा कार्य कर सकते हैं, ठीक है, तीन व्यक्ति एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, 3×6 बराबर अब लिखेंगे, ठीक है, देखिए उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद, ठीक है, उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद, यानी कि तीन व्यक्ति ने कितने दिनों तक काम किया, 2 दिनों तक किया, उसके बाद प्लस हो गए कितने लोग दोस्तों, 3 अन्य व्यक्ति उनमें शामिल हो जाते हैं, पहले कितने लोग थे दोस्तों, पहले 3 व्यक्ति थे, और फिर 3 व्यक्ति शामिल हो जाएंगे तो कितने लोग हो जाएंगे दोस्तों, 6 लोग हो जाएंगे, ठीक है, 6 लोग हो जाएंगे, और कह रहा है कि 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते, तदनुसार वे कार्य पूरा कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो मान लेंगे दोस्तों जो शेष कार्य है वो कितने दिनों में पूरा होगा, यहां पे हम मान लेंगे x दिनों में वो जो शेष कार्य है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है, शेष कार्य प्लस ये जो आपका कार्य है दोस्तों ना, ये 2 दिन तक, ठीक है, इसे दोनों को जोड़ेंगे तब पूरा कार्य आएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, 3×6 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3×6 क्या होता है, 18 होता है, ठीक है, और 2 3 बराबर है
है तो बराबर यहाँ लगा लेंगे, और ये 3 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 6 × x दोस्तों करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ये 6 बराबर के इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 18 में से दोस्तों 6 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इधर यहाँ पे क्या है दोस्तों, 6x है तो 6x यानी कि 6 × x, ठीक है, यानी गुणे में है तो इधर बराबर के इधर आएगा दोस्तों ये 6 तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 12/6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 से आप कटेंगे तो ये 2, यानी कि x बराबर दोस्तों क्या आया, x बराबर दोस्तों आया है 2 दिन। x बराबर क्या आया दोस्तों, 2 दिन, यानी शेष कार्य करने में कितना दिन दोस्तों लगेगा, यहां पे जो x की वैल्यू आई वो क्या आई है, 2 दिन। शेष कार्य करने में अगर जो शेष कार्य पूछे तो 2 दिन इसका आंसर होगा, लेकिन यहां पूछ रहा है तदनुसार वे सब पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, टोटल काम की बात कर रहा है। तो पहले तो ये दोस्तों 2 दिनों तक क्या किए हैं, साथ में काम किए हैं, उसके बाद शेष कार्य करने में क्या दिन लगा है दोस्तों, 2 दिन लगा है, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 दिन इसका आंसर हो जाएगा। 4 दिन किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दूं, दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, SSC की एग्जाम देंगे, UP दुर्बल SSC की एग्जाम देंगे, या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, क्योंकि दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 practice set + 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा, तो इस ई बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि इसमें दोस्तों साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत ₹150 रखी थी, लेकिन मेरे कहने दोस्तों ये ई बुक आपको मात्र ₹25 मिल जाएगी। इस ई बुक को दोस्तों आप ले कहां सकते हैं, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक के थ्रू इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये ई बुक है PDF नोट्स की तरह, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड जाएगी, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे, ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है, तो पंचम पब्लिशर दोस्तों कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूँ, इसमें जो प्रश्न दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये अलग टाइप का है, ठीक है। देखिए इस टाइप के भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, और दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो नीचे आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और किसी अन्य चैप्टर में कमजोर है, मैथ में और कोई चैप्टर नहीं समझ में आता है, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, GK GS साइंस, कहीं से भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो उस चैप्टर का भी दोस्तों नीचे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, नाम, इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, ठीक है, यहां पे प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें नहीं समझ में आती, ठीक है, वो कमेंट कर देंगे तो उसको मैं कमेंट आपकी डेली पढ़ता रहता हूं सभी लोगों की, ठीक है, तो कमेंट पढ़ूंगा, देखूंगा जिनका ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं उनको भी क्या करूंगा, नेक्स्ट पार्ट में उस टाइप के क्वेश्चन को कवर कराऊंगा, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए और आप अच्छे से दोस्तों सिलेक्ट हो, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसी कार्य को 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती हैं, 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिएगा अब प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा, प्रश्न समझ लेंगे तो इस टाइप का कभी भी प्रश्न आएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और जबकि उसी कार्य को 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यहाँ पे पुरुष की बात कर रहा है, 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा कर सकती हैं, ठीक है, यहाँ महिलाओं की बात कर रहा है, ठीक है, और फिर लास्ट में पूछ कह रहा है 10 पुरुष और 8 महिलाएं, यानी कि 10 पुरुष के साथ 8 महिलाएं भी मिल जाए तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसे दोस्तों देखिएगा कैसे किया जाता है, ठीक है, हम निकालते हैं इसको कैसे। देखिए यहाँ पे कह रहा है 15 पुरुष यानी कि 15 मेल कितने दिनों में दोस्तों काम को कर लेते हैं, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये पहला लाइन कह रहा है, और फिर दूसरा लाइन क्या कह रहा है, जबकि उसी कार्य को 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों,
24 फीमेल कितने दिनों में दोस्तों, 20 दिनों में, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, कितने मेल बराबर कितने फीमेल, ये चीज निकालेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे तो ये 20 से 20 क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 15 मेल बराबर 24 फीमेल, यानी कि 15 पुरुष बराबर 24 महिलाएं होंगी। तो इसको और छोटा कर लीजिए, यानी 3 से भाग कर लेंगे तो 3 × 5 = 15, यानी कि 5 मेल बराबर 3 × 8 = 24 क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 फीमेल। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 5 पुरुष बराबर 8 महिलाएं, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में मान लीजिए 5 पुरुष बराबर 8 महिलाएं, बस इतना ही आपको क्या किया जाता है, इसको छोटा किया जाता है, 5 पुरुष बराबर 8 महिलाएं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दो लाइन दिया है, एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में कर सकते हैं और दूसरा लाइन कह रहा है 24 महिलाएं 20 दिनों में कार्य को पूरा कर सकती है। यहाँ पे आप या पुरुष ले लीजिए या महिला ले लीजिए, ऊपर वाला लाइन ले लीजिए या नीचे वाला, किसी भी लाइन को आप उठाएंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम ऊपर वाला लाइन ले लेते हैं, 15 पुरुष क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या फार्मूला लगता है, M1D1 = M2D2, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं 15 पुरुष कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं दोस्तों, 20 दिनों में लिखा है ना, 15 पुरुष उस कार्य को, किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। अब नीचे वाला लाइन क्या कह रहा है दोस्तों, 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी, तो हम ऊपर क्या लिए दोस्तों, पुरुष लिए हैं, तो इधर 8 महिलाओं को भी हम क्या करेंगे, पुरुष में बदलेंगे। तो नीचे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 महिलाओं बराबर कितने पुरुष हैं, 5 पुरुष है ना, 8 फीमेल बराबर 5 मेल, यहाँ पे अभी हमने छोटा करके निकाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन 8 महिलाओं की जगह हम क्या कर लेंगे, पुरुष रख लेंगे, ठीक है। तो 8 महिलाओं बराबर 5 क्या है दोस्तों, मेल है, 8 महिलाओं बराबर 5 पुरुष है, तो यहाँ पे दोस्तों 8 महिलाओं की जगह हम क्या लिख लेंगे दोस्तों, 5 पुरुष लिख लेंगे, ठीक है। तो 10 पुरुष और 5 पुरुष मिलकर कितने पुरुष हो जाएंगे, कितने मेल हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, और कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, तो D2 दिनों में काम को पूरा करेंगे, बस इसी को सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। इस 15 से दोस्तों ये वाला 15 क्या हो जाएगा, ये 15 से ये वाला 15 क्या हो जाएगा, कैंसिल, D2 बराबर दोस्तों क्या आया, 20 दिन। तो कहने का मतलब है 10 पुरुष और 8 महिला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगी, 20 दिनों में काम को पूरा कर लेंगी। 20 दिन दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी दोस्तों प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा दोस्तों इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको समझा रहा हूँ, एकदम अच्छे से समझिएगा, बेसिक से समझिएगा और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिए, ठीक है, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं, 10 स्त्रियाँ 15 साड़ियाँ 5 दिनों में बुन सकती हैं, बुन सकती हैं मतलब काम कर सकती हैं, 15 साड़ियाँ बना सकती हैं, तदनुसार 120 साड़ियाँ 8 दिनों में बुनने के लिए कितनी स्त्रियाँ चाहिए, यानी कितनी स्त्रियां, कहने का मतलब है महिलाओं की कितनी जरूरत होगी, ये चीज कह रहे हैं। अब देखिएगा दोस्तों इसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है, पहले फार्मूला देख लीजिए, होता है दोस्तों M1D1 / W1 = M2D2 / W2, ठीक है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। अब समझिएगा, अब यहाँ पे M1 की जगह क्या रखते हैं दोस्तों, M1 की जगह हम रखते हैं कितने लोग हैं, यहाँ इसमें देखिए क्या है, 10 स्त्रियाँ हैं। D2 की जगह क्या रखते हैं दोस्तों, कितने दिन लग रहा है काम को, तो ये 5 दिन है D2। W1 की जगह क्या रखते हैं, वर्क, यानी कि काम कितना हो रहा है, क्या काम हो रहा है, ठीक है, ये 15 साड़ियाँ बनाने का काम हो रहा है, इसे क्या रखेंगे, W1 की जगह पे। और M2 की जगह क्या रखते हैं दोस्तों, कितनी स्त्रियां की काम, यानी कि दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे लाइन में कितनी स्त्रियां हैं, तो इसमें पूछ रहा है कितनी स्त्रियां चाहिए, तो M2 हमें निकालना है। और क्या कह रहा है, और यहाँ पे D2 की जगह क्या रखेंगे, कितने दिन लग रहे हैं, तो यहाँ पे 8 दिनों की बात कर रहा है। और W2 की जगह दोस्तों कितना काम हो रहा है, तो 120 साड़ियां बनाने का काम है, ठीक है, बस हमें निकालना क्या है दोस्तों, M2 निकालना है। तो देखिए अब इतना आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप समझिएगा। और दोस्तों जो यहाँ पे जो आपका W1 नीचे है ना, जो W1 नीचे है ना दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ
जहाँ पे आय मिले, रुपए मिले, मजदूरी मिले, जो भी प्रश्न में होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं, W1 की जगह, याद रखिएगा इसे, ठीक है। इतने रुपए में इतने रुपए मिल रहा है, इतने दिनों तक काम चल रहा है, जो रुपए वाले संबंधित क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसे भी हम क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 10 स्त्रियां 15 साड़ियां 5 दिनों में बुन सकती हैं। 10 स्त्रियां कितने दिनों में दोस्तों, 5 दिनों में। कितनी साड़ियां बुन सकती हैं, 15। 15 को क्या रखेंगे, नीचे। फिर बराबर क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे कह रहा है 120 साड़ियां 8 दिनों में बुनने के लिए कितनी स्त्रियां की जरूरत होगी, M2 स्त्रियां की जरूरत होगी। कितने दिनों में दोस्तों, 8 दिनों में बुनने के लिए कितनी साड़ियां दोस्तों, 120 साड़ियां। 120 को कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। देखिए अब M2 का वैल्यू आ जाएगा, ये नीचे 15 है, 15 से 120 कट जाएगा, 15 वट्ठे क्या होता है दोस्तों, 120। क्या होता है, 15 वट्ठे 120। अब ये 8 नीचे है, ये 8 ऊपर है, कैंसिल हो गया। 10 गुणे 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। और इधर क्या है दोस्तों, M2 है, तो M2 बराबर क्या आ गया दोस्तों, 50 स्त्रियां। कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, 50 महिलाओं की जरूरत पड़ेगी 8 दिनों में 120 साड़ियां बुनने के लिए। अब 50 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी दोस्तों प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अगर आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां पर दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ वहां जब आपकी सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी दोस्तों प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पर जरूर जाए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों ये टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट रहा है, ठीक है, दूसरा पार्ट भी मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो आपको करना क्या है दोस्तों, लाइक करना है इस वीडियो को। लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे इस टाइप से बना होगा, यहां पे प्रेस कर दीजिएगा, और शेयर वाला भी कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर वाला सिंबल इस टाइप से बना होगा, यहां पे प्रेस करके फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो या आपसे जितने भी रिलेटेड स्टूडेंट हो जो पढ़ते हैं उनके पास दोस्तों शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर का स्टेप सब्सक्राइब लिखा हो दोस्तों, यहां पर आप क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये इस टाइप से दिखने लगेगा। जब ये दोस्तों इस टाइप से दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।